नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपभ्रंश साहित्य की और उसके प्रमुख कवियों की। अपभ्रंश साहित्य के कवियों से नेट में, PGT में और हिंदी के जितने भी बड़े पेपर होते हैं सभी में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज मैं बात करूँगी उन सभी साहित्यकारों की जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में अपनी रचनाएं लिखी और उनको मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है जब वाल्मीकि थे वो स्वयं भू पर आए और उन्होंने परम चरयू नाम के ग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि स्वयं भू पर आकर परम चरयू नामक गद्य की रचना की उन्होंने कब की पंचमी को। वाल्मीकि ने स्वयं भूमि पे आकर पंचमी को परम चरयू की रचना की जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम की परम कथा का वर्णन किया। लेकिन उसके बाद उनको अचानक से एक अरिष्ट की आशंका होने लगी, अनिष्ट की आशंका होने लगी, क्योंकि पुष्पदंत नाम के एक राक्षस को ये अभिमान हो गया था कि जो महापुराण है, पुष्पदंत नाम के राक्षस को ये अभिमान हो गया था कि जो महापुराण है रय कुमार नाम के यशोदा नंदन, रय कुमार नाम के यशोदा नंदन उसे लाकर जरूर देंगे। भोला भाला रय कुमार पुष्पदंत की बातों में आ गया। वो जो भोला भाला रय कुमार था वो पुष्पदंत को सब कुछ समझने लगा। वो ये समझता था कि जो पुष्पदंत है वो साहित्य के माघ है, भाव और भारवी हैं, बाण हैं, भवभूति हैं। वो जो पुष्पदंत थे उनको राक्षस था, उसको इतना समझने लगा। फिर क्या हुआ, फिर धनपाल ने सूर्य पंचमी के दिन ये भविष्य कहा। धनपाल ने सूर्य पंचमी के दिन ये भविष्य कहा कि जो इंदु हैं, धनपाल ने सूर्य पंचमी के दिन ये भविष्यवाणी की कि जो इंदु हैं उनको जब परमात्मा प्रकाश देगा, जब उनको परमात्मा प्रकाश देगा तो योग सार से वो अब्दुल रहमान को संदेश लेकर भेजेंगे। जब परमात्मा उनको प्रकाश देगा तब योग सार से वो अब्दुल रहमान को संदेश लेकर भेजेंगे। राम सिंह पाहुड़ दोहे के जरिए जिन दत्त सूरी को उपदेश देगा परमचर्यों का, और परमचर्यों का ही सब तरफ बोलबाला हो जाएगा। एक बार मैं फिर शॉर्ट में रिपीट करना चाहूँगी कि वाल्मीकि जब स्वयं भू पर आए तब उन्होंने परमचर्यों की रचना की, फिर उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी क्योंकि पुष्पदंत नाम का राक्षस जिसको ये अभिमान हो गया था कि रय कुमार उसको महापुराण लाकर दे देगा और वो उसे अपना बना लेगा, अपना समझकर दुनिया में प्रकाशित करेगा। तो रय कुमार भोला भाला था, वो साहित्य का भभूति माघ बाण सब कुछ पुष्पदंत को ही समझता था। तब धनपाल ने भविष्यवाणी की कि सूर्य पंचमी वाले दिन जो इंदु है वो उसमें योग सार से परमात्मा उसको प्रकाश देगा, तब अब्दुल रहमान के जरिए वो संदेश रासक भेजेंगे, तब राम सिंह पाहुड़ दोहा लिखेंगे और
जिन दत्त सूरी उपदेश देंगे, किसका उपदेश देंगे, परमचर्यों का, जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो या ना अच्छी लगी हो, इसको ध्यान से सुना होगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमने ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई। अपभ्रंश साहित्य के मुख्य कवि हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंद, अब्दुल रहमान, जिंद दत्त सूरी, राम सिंह। ठीक है, अपभ्रंश का सबसे पहला जो प्रयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपभ्रंश साहित्य के जितने भी ऐसे जो एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना रहती, प्रबल संभावना रहती, वो सब मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। अब ऐसे तो आप पढ़ने को कुछ भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है, मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करवा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करा रही हूँ, उसके बाद जो रह जाता है वो आपका काम है। बहरहाल अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये पढ़ने के बाद आप डिटेल्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा और समझ भी जल्दी आएगा और आप सारे प्रश्न कर भी पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वयंभू की। अब हम आपको बताते हैं कि जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है, अगर वो कहानी आपके दिमाग में फिट है तो जितने भी मैंने यहाँ पर ये साहित्यकार बताएंगे आपको सीरियल से याद होंगे। ध्यान करिए, स्वयंभू, वाल्मीकि स्वयंभू पे आए, पुष्पदंत, फिर धनपाल ने भविष्यवाणी की कि जो इंदु हैं वो अब्दुल रहमान, पूरा आपको क्रम से याद होगा, क्रम से क्वेश्चंस नेट में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, स्वयंभू प्रथम कवि थे जैन काव्य परंपरा के, ये आप याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता था, अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि। जब आप मेरी स्टोरी याद करेंगे और इसको दो बार पढ़ लेंगे तो इसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता था। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इसमें कभी कभी शताब्दी तो पूछ ली जाती है, साल जन्म, जो जन्म के जो साल या समय होता है ये कम पूछा जाता है, अपेक्षाकृत कम पूछा जाता है। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं परमचर्यो, जो पद्य चरित्र है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। और यहाँ मैं एक बात आपको और बताऊंगी, ये अधूरी रह गई थी, पूरा नहीं कर पाए थे, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। उसके बाद ऋट नेमि चरयु, जिसको अरिष्ट नेमि भी कहते हैं, ऋट नेमि या अरिष्ट नेमि चरित्र या हरवंश पुराण भी कहते हैं। और पंचमी चरयु, पंचमी चरयु 5 खंडों में विभक्त है, अपूर्ण है। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको, हाँ ठीक, परमचर्यो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, परमचर्यो 5 खंडों में विभक्त एक अपूर्ण प्रबंध काव्य है जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अब जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वाल्मीकि स्वयंभू पर आकर उन्होंने परमचर्यो नामक ग्रंथ की, राम कथा की वर्णन किया और अरिष्ट के निवारण से, पंचमी तिथि को की थी और अरिष्ट के निवारण से, तो यहाँ पर ये तीनों रचनाएं भी कवर हो गई। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो जो उनके अलग नाम है वो भी आपके जहन में आ जाएंगे, दिमाग में आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरे साहित्यकार हैं पुष्पदंत, जिनका हमारी जो स्टोरी थी उसमें बाद में नाम आया था, पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते थे, ये फैक्ट मुझसे छूट गया। पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते थे, इनका उपनाम अभिमान मेरु था, मैंने बताया। तो इस स्टोरी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पुष्पदंत जो राक्षस था वो अपने आप को व्यास समझने लगा था और उसको अभिमान हो गया था। पुष्पदंत का जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ था। रचनाएं थी महापुराण, 63 महापुरुष गुणालंकार। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूंगी कि अगर ये और ये दोनों नाम आपने याद कर लिए तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि 63 महापुरुषों का के गुणों की व्याख्या अपभ्रंश के किस कवि ने की थी, तो पुष्पदंत ने की थी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। उसके बाद इनकी जो दूसरी रचना है, अड़ैकुमार या नाम मार चरित्र,
जिसको जय कुमार मतलब होगा जय कुमार, उसके बाद जैसा चरित्र या यशोदा चरित्र, ये आप ज्यादातर मेरी कहानी में आपको मिली होंगी रचना। पुष्पदंत की रचना है महापुराण, उदय कुमार और जैसा चरित्र, इनके अलग अलग नाम है जो आपको दो चार बार देखने पड़ेंगे। भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, भाड़, बाण और भवभूति कहा है। किसने कहा है? भोला शंकर व्यास ने, जो हमने आपको बताया कि भोला जो था उदय कुमार नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत भोला था, तो जिसने इनको क्या समझ लिया था, माघ भारवी सब कुछ समझ लिया था। महापुराण प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थों के चरित्रों का वर्णन या आख्यान 20,000 पदों में किया गया है, ये फैक्ट मैंने नीचे नोट कर दिया है। उसके बाद जो हमारे तीसरे साहित्यकार हैं धनपाल, धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं भविष्य कहा या सूर्य पंचमी, ये एक वणिक की कथा का इसमें वर्णन है, ये भी मेरी स्टोरी में आपको मिला। जोइंद का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योगसार, परमात्म प्रकाश और योगसार, मैंने आपको बताया था कि जो इंद हैं उनको योग के माध्यम से परमात्मा का प्रकाश हुआ। एक चीज और ध्यान रखने वाली है इसमें, अपभ्रंश साहित्य में दोहा का आरंभ किसने किया था? जोइंद ने किया था, ये प्रश्न अक्सर पूछ दिया जाता है। उसके बाद अब्दुल रहमान का आविर्भाव संभवतः ऐसा माना जाता है कि 12वीं या 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये जाति के जुलाहा थे। इनकी रचनाएं हैं संदेश, राशक, ये तीन प्रक्रम में विभक्त है जिसमें 223 छंदों का काव्य है। और हाँ, भारतीय भाषा में रचित किसी मुस्लिम का की ये प्रथम रचना है। अब्दुल रहमान मुस्लिम थे, इन्होंने भारतीय भाषा में रचना की थी, ये चीज गौर करने लायक है। उसके बाद जो अगले साहित्यकार हैं राम सिंह का आविर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था। इनकी रचना पाहुड़ दोहा है, इसमें इंद्रिय और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। उसके बाद हैं जिन दत्त सूर्य, जिनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था और उनकी रचना है उपदेश रसायन रास, 80 पद्य का ये एक नृत्य काव्य रास लीला है। ये छोटी छोटी चीजें भी जरूर ध्यान रखिएगा कि ये एक नृत्य काव्य रास लीला है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जो मैंने आज के वीडियो में जितना बताया है, अगर आप इसको नोट कर लेंगे और कहानी को एक दो बार वीडियो सुनने के बाद मन में रिपीट कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ जरूर आपके मन में कहीं ना कहीं बनी रहेगी और आप जब इसको याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। इसलिए वीडियो सुनने के बाद कहानी का मनन जरूर करिएगा और बाकी सारे फैक्ट एक जगह नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए जिसमें ये सारे फैक्ट नोट करते चलिए। इनसे अच्छा नोट आपको नेट UGC नेट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ये बहुत शॉर्ट नोट होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इनको पढ़ने के बाद आप बाकी साहित्य की पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं ताकि आप 100% कर सकें, लेकिन इनसे भी एक अच्छा खासा एरिया आपका कवर होगा। पेपर में पासिंग मार्क्स मतलब आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए मैं अपनी तरफ से सफिशियंट मटीरियल देने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बात, अगर आपको मेरा ये प्रयास सफल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए अगर आप वाकई में पढ़ाई के लिए नेट करने के लिए सीरियस हैं। अब एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, बहुत आराम से इस बार आप हिंदी नेट क्वालिफाई कर लेंगे।